मैडम जी, मैम मैम रुकिए, मैम रुकिए, मैम मैम रुकिए, मैम रुकिए, बाकी है अभी आपके बिना। मैडम जी रुकिए, कैसे हो आप लोग, कैसे हो? मैम यहाँ पर, मैम यहाँ पर, मैम यहाँ पर। बहुत खूबसूरत लगता है लड़का, उन्हें देखा है, मैंने इसको पहले भी दिलाऊं और मैं यही बंदे से शादी करना, क्योंकि दूसरे भी बंदे थे लेकिन मैंने उसको कहा कि ये बंदा सही है, ऐसे लगा दो यार, दिखे नहीं, दिखना चाहिए, बहुत अच्छा, खुश रहेगा, आई एम वेरी हैप्पी फॉर। अच्छा ठीक है, थैंक यू, मेरे लिए रुक जाइए, ये ले पकड़ दो। वेल करिश्मा जो है मेरी खास दोस्त है, बहुत पुराने दोस्त हैं हम, और मैं उनके काफ़ी कहूँगा कि काफ़ी जो रिलेशनशिप में वो रही हैं उनसे मिला हूँ, लेकिन जब उन्होंने मुझे इस बंदे से इंट्रोड्यूस किया, वरुण से, तो मैंने कहा ये बंदा सही है तेरे लिए। हाँ, सभी बंदों से मैंने कहा ये बंदे से तू शादी कर, क्योंकि ये बंदा आपको खुश रखेगा, बिकॉज ही इज़ द राइट गाय फॉर हर, एंड आई एम सो हैप्पी कि उसने डिसीजन लिया, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर फॉर हर। फिर हम ऐसा माना कि इंडस्ट्री के लव गुरु हैं आप, सबको ऐसे जोड़ी ऐसा नहीं है, मैं कौन सा लव गुरु बन सकता हूँ मेरी हालत देखो, सिंगल हूँ मैं। देखिए इनका सवाल है कि आपकी शादी कब गई है, मेरी शादी तो नहीं हो सकती बिकॉज वो उम्र चले गई है, आई एम ऑफ द शेल्फ, शेल्फ लाइफ होती है ना, वो ऑफ हो गया मैं, तो इट्स नॉट नॉट गोना हैपन, मैं सिंगल में ही खुश हूँ। ऑल द बेस्ट, ठीक है, पर दूसरों की शादी में जरूर आता हूँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, और दूसरों की और सभी दोस्तों बोलते शादी करो, सबको कहता है शादी करो, बस मैं नहीं कर सकता। भाई शादी वाला पोज, अरे वो लड़की।